क्या आपने इकट्ठे 20 करोड़ रुपए देखे हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा और 20 करोड़ रुपए किसके घर से बरामद किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 20 करोड़ जब आप सुनते होंगे तो चौंक जाते होंगे, सोचते होंगे कितना रुपया होता होगा। लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, 20 करोड़ रुपए ही तो हैं। 2-2 हजार के कितने नोट हैं और 5-5 सौ रुपए के नोट हैं। और ये कहां से बरामद किया गया है? लखनऊ से बरामद किया गया है। रणविजय सिंह लिखते हैं, दर्शन कीजिए, मात्र 20 करोड़ रुपए तो हैं, 5-5 सौ के नोटों की गड्डी है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ 2-2 हजार रुपए के नोटों की गड्डी है। वहीं रणविजय सिंह दूसरा ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अंडर काम करने वाली एक PSU के पूर्व CMD के ठिकानों से मिला है। सोच रहा हूं जल शक्ति मंत्रालय के अंडर काम कर लिया जाए, कोई जुगाड़ है क्या? जुगाड़ हो तो बताइए। ABP न्यूज लिखता है, अब CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को यानी 2 मई को बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के पूर्व CMD राजेंद्र कुमार गुप्ता के परिसरों में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। CBI ने बताया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर के केस दर्ज करने के बाद हमने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद सहित लगभग 19 स्थानों पर रेड की थी। इस दौरान हमने 20 करोड़ रुपए की नकदी के अलावा संपत्ति और अन्य कीमती सामानों संबंधित दस्तावेज को जब्त किया है। फोटो में दिखाई दे रहा है कि जो नकद पैसा है सूटकेस और बेड में रखा गया था। रेड के दौरान जब CBI ने जांच पड़ताल की तो उन्हें कैश मिला। CBI ने कहा कि आगे की जांच जारी है और पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा कहां से आया। बता दे कि ये सब सामने आने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा कि इतना ज़्यादा धन किधर से आया है। यानी ये पूर्व CMD है साहब, इनका नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है और गुप्ता जी के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और साहब ये जब CMD रहे होंगे यानी जब ये नौकरी में थे तो साहब कितना धन इकट्ठा किए होंगे, कितनी बेनामी संपत्ति होगी। अभी तो CBI ने महज 20 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। हो सकता है पूरा एक नेक्सस चल रहा हो, पैसा कहीं से आ रहा हो, पैसा कहीं जा रहा हो। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो तमाम विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, तमाम मंत्रालय हैं, उसमें किस तरीके से घोटाला हो रहा है। और घोटाला ऐसे हो रहा है किसी को भनक तक नहीं लग रही है या भनक लगने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में एक कहावत बहुत फेमस है, यहाँ पर चोरी भी बहुत ईमानदारी के साथ की जाती है और इसीलिए किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन जब भनक लग जाती है तो पूरा का पूरा मामला सामने आ जाता है और जो भी धन होता है सब कुछ बरामद कर लिया जाता है। क्योंकि हमारे देश की जांच एजेंसियां ऐसी हैं कि वो लगातार छापेमारी करती रहती हैं, लोग गिरफ्तार करती रहती हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की बात भी करती रहती हैं। और 20 करोड़ में फिलहाल राजेंद्र कुमार गुप्ता के ठिकानों से बरामद कर लिया गया है। आपको क्या लगता है कि अभी और भी धन गुप्ता जी ने छुपाया होगा या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।